थोड़ी देर पहले उसने मेरे को हग किया था, आ जाओ। हाँ देख रहा, अरे भाई इसने तो इसने ग्रिप बढ़ा ली। ज्यादा अमेजिंग ग्रेट डेन दिखा है मेरे को ब्लैक कलर में। ओ एग्रेसिव है थोड़ा सा। अरे भाई इसकी एज भैया अभी 23 महीने। और ये कौन सी कंट्री से आया भैया? ये भैया तिब्बत जो चाइना में है, चाइना का ये सबसे मोस्ट जो फेमस कैनल है वहाँ से लेके आया विद DNA सर्टिफाइड। तो यार आपके पास ये एक ही डॉग है और भी डॉग्स हैं वाले? एक ही है ये। वाह, ये इंडिया में बहुत लिमिटेड है ना ये। मेरे ख्याल से मैंने बहुत रेयर देखे हैं डॉग इंडिया में। और ये देख रहा हूँ ये इसके बाल जो हैं स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने पड़ रहे हैं। तो यार ये रेगुलरली करने पड़ते हैं या सिर्फ कभी कभी? सिर्फ शो टाइम पे। तो ये प्रेस करना क्यों जरूरी लगा आपको जैसे पर्सनली? ब्यूटी आती है। अच्छा, तो क्योंकि ये सारी ब्रीड ब्यूटी के लेवल पे जज होती है ना, करती है ना प्रेस। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं हूँ करनाल में। करनाल हो रहा है डॉग शो। तो डॉग शो अगर करनाल में होगा तो पुलकित भाई तो पहुँच ही जाएंगे। तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको एक से एक अमेजिंग ब्रीड। और मेक श्योर आज का व्लॉग पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, मेक श्योर टू द लाइक बटन। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइज लो जी अभी हम पहुँच गए हैं फिलहाल करनाल डॉग शो, तो अभी चलते हैं अंदर। अरे वाह यार इस बार तो बड़ी अच्छी खासी डेकोरेशन हो। साथ में अमित जी है, कैसे अमित भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई, बढ़िया। बहुत टाइम के बाद आज भैया मिले, कैसे भैया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, आपकी वीडियो को लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके बाद हम आज मिले हैं। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा ना, उन्हें इतना प्यार दिया, मेरा दिल खुश हो गया। अरे वाह, भर दिया कमेंट सेक्शन। अरे वाह, तो यहाँ पे आज क्या लेकर आए हो भैया? ये जू लेके आए, ये मेरा नया 290 और एक लास्ट टाइम, ये लास्ट टाइम हमें नहीं मिला था ना। नहीं नहीं नहीं, ये अभी इंट्रोड्यूस किया मैंने अपनी ब्रीडिंग में। ऑल द सुपर एग्जिबिटर्स रिंग नंबर 2 इनसाइड द रिंग नंबर 2। तो ये एग्रेसिव नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एग्रेसिव नहीं है, ये वर्किंग लाइन से है। वाओ, ये इसका बिल्कुल कूल टेंपरामेंट है। दो मेन एग्जिबिटर्स हैं वो रिंग नंबर 2 पे आ जाए। हेलो, क्या नाम है इसका? जू। जू, अरे एज कितनी अभी है इसकी? ये अभी 2 साल का हुआ है, जस्ट अभी इसी महीने। और ये अच्छी खासी हाइट, अभी तो थोड़ा सा और ग्रो करेगा ये, मुझे एक साल और है इसके पास ग्रो करने का। ये तो हेलन है, ये मेरी ब्लैक ग्रेडन है। अरे ग्रेडन है ये, अभी 6.5 महीने की हुई है। वाह वाह। अच्छा यार एक चीज ना बहुत आजकल नहीं चली है कि जैसे ग्रेडन को भी क्रॉप, मतलब पहले भी होता था, तो आपने इसको क्रॉप क्यों नहीं कराया, कोई रीजन? मेरा मन नहीं माना। अच्छा मेरा दिल नहीं किया इसलिए मैंने क्रॉप नहीं। वाह, इसकी बाइट दिखा सकता है एक बार आप मेरे को? ओ भाई साहब, तिब्बतन में सलीम ना, ऐसे डॉग से जिनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं ये तो बेचारा गऊ है एकदम। नहीं बट दांत के मामले में देखा जाए ना गाइस, यहां पर ना एक सबसे ज्यादा अमेजिंग चीज मुझे दिखी है। चीज तो नहीं कह सकते, कितना प्यारा डॉग मुझे दिखा है। इसका नाम क्या है बाजी? इसका नाम है मारू जी। क्या मारू? मारू कहाँ से आया है? ये सर्बिया से आया भैया। सर्बिया, अरे वाह। और कितनी एज है इसकी? ये अभी 4 साल का। 4 साल का, और ये ना मतलब मुझे अकीता है, शिबा इनू है, क्या है ये बाजी? भैया ये अकीता इनू है। एक्चुअल में इंडिया में पहले अमेरिकन अकीता आए हुए हैं जी, लेकिन ये अकीता इनू जिसे जापानीज अकीता कहते हैं वो भी हमने इंपोर्ट करवाया। वाओ, ये चीज तो लिटरली ट्रस्ट मी मैं इंडिया में पहली बार देख रहा हूँ, और ये चीज ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। ये अग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं होते सर। हेलो, ओ भाई मैं आपको पता है मेरा मानव अकीता रेंज के नाम से जी पिछले 12 साल से अकीता में डील कर रहा हूँ, अमेरिकन अकीता में। क्या बात है, कुछ नया ऐड करने का था तो अकीता से अलावा कुछ और पसंद नहीं आता। पॉइंट पॉइंट पॉइंट। वाह, तो अभी कितने डॉग्स हैं आपके पास वहाँ पे? सर मेरे पास तकरीबन 20 डॉग्स हैं। वाओ, जापानीज अकीता अभी 6 है, 3 male 3 females है, बाकी अमेरिकन अकीता है। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि हम पाजी के पास स्पेशल जाके वीडियो बनाए तो पाजी को कमेंट में बता देना कि भाई एक स्पेशल वीडियो चाहिए इस ब्रीड के ऊपर, और इसको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बट अभी के लिए मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं इससे मिल लूँ। ओके गाइस, तो अभी बारी है इससे मिलने की। मिल लूँ इससे मैं? ये हग करता, अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे को हग किया था, आ जाओ। हाँ देख रहा, अरे भाई इसने तो इसने ग्रिप बढ़ा ली। यस 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 यस। क्या हुआ क्या हुआ? तो इसको आप रिंग के लिए लेके आए आज क्या? जी 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 जी। अच्छा, इसके लिए ये शो में मतलब इनका केसी है, रजिस्टर्ड है ये साल? हां सर, केसी रजिस्टर्ड, अपना सारा कुछ ही केसी रजिस्टर्ड है, सारे डॉग्स। इसको मेरे से डॉग्स की स्मेल आ रही होगी ना? कम बेटा। नो नो नो। वाओ, बहुत सही, गुड बॉय। गाइस यहां पर एक बहुत ज्यादा अमेजिंग ग्रेट डेन दिखा है मेरे को ब्लैक कलर में।
ओ एग्रेसिव है थोड़ा सा। अरे भाई ग्रेट डेन, वो भी एग्रेसिव। भैया कैसे रख लेते हो? बस भैया रख लेते हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूं। अरे वाह। और आपके पास कितने डॉग्स हैं? मेरे पास 5 डॉग हैं। और कौन कौन सी ब्रीड के? सारे ग्रेट डेन। अभी ग्रेट डेन तो यार आपको कितने साल हो गए अभी ग्रेट डेन रखते हुए? भैया 5 साल हो गए हैं। 5 साल। भाई ये ना बड़ी जेंटलमैन ब्रीड लगी मेरे को ना। एक तो इसका जो असलियत में शेप है, इसका जो स्टाइल है, इसका जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत रेयर ब्रीड्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बहुत अमेजिंग सा पूडल है, ये टॉय पूडल मुझे दिखे वाइट कलर में। अरे कितना खुश है ये। क्या नेम है इसका सर? तोरा। कोरा? तोरा। तोरा तोरा। और कितनी एज है इसकी? इसकी 14 मंथ। 14 मंथ। वेरी गुड। अरे वाह वेरी गुड। अरे प्यारा, कितनी प्यारी है यार, कितनी प्यारी है। उठा लो इसको। तो इसको अभी मैंने उठाया गोदी में। अरे अरे हाँ, इसका फेस अब दिखा है, बहुत प्यारी है। तो यार ये आपके पास और भी डॉग्स हैं सर, ये एक ही डॉग है ये? और भी है। वाह, तो आज इसको ड्रिंक किया आपने अभी? नहीं अभी है, जाएगी। और कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। अरे वाह। ओए ओरे, बस बस बस, बहुत प्यारी है। बस बस। यहाँ पर अभी मेरे को भैया मिले। कैसे हैं भैया आप? भैया प्रिया। भैया तो आज कौन कौन सा डॉग लेके आए हैं आप? एक तो गोल्डन रिवर। हाँ जी, ये मेरा गोलू है। अरे वाह, राजा है। बहुत सही। फीमेल मेरी शिट्जू। अच्छा, एक शिट्जू, एक गोल्डन रिट्रीवर, एक टॉय पॉम, और एक ये नीचे बीगल भी है, डॉली। आप एग्जैक्ट रहते कहाँ पे अभी? आगरा। आगरा से यार इतने सारे डॉग लेके ट्रेवल करना आसान है? है सब आसान हो जाता भैया जब शौक हो। है वाह, बहुत सही। आई फिर से देहरादून के बाद आज हम आपको दिखाने वाले हैं पर्शिया कैनेरियो ब्रीड। कैसे हो भैया? फर्स्ट क्लास भी है, फर्स्ट क्लास। आज कौन सा डॉग लेके आए हो? आज हम लेके आए हैं अपने होम ब्रीडिंग का बोल्डर सुल्तान। सुल्तान एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हेलो सुल्तान। वाओ, इसको मैं हाथ लगा लूं यार। एक तो इसकी ना शरीर ही ऐसा है ना इसको ब्रीड को देख कर मेरे को वैसे ही डर लगे। हाँ वाओ। इसकी एज कितनी है भैया? 11 महीने का है। तो आज इसको रिंग के लिए लेके आए आप? फर्स्ट टाइम रिंग में उतरेगा ये। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट भाई साहब। सुल्तान कुछ जीत के आई हो, तेरा नाम से बहुत उम्मीद है हमें हमारे पंजाब से। हमारे भैया कैसे हो? बढ़िया भैया, आप बताइए। अभी मेरी इनके साथ कल ही बात हो रही थी कि इन्होंने एक नया डॉग इम्पोर्ट करवाया है, और ये रहा वो बब्बर शेर भाई साहब। क्या नाम है इसका? ऑडी। अरे वाह। और इसकी एज कितनी है? इसकी एज भैया अभी ये 23 महीने। और ये कौन सी कंट्री से आया भैया? ये भैया तिब्बत जो चाइना में है, चाइना का ये सबसे मोस्ट जो फेमस कैनल है। हाँ। वहाँ से लेके आया विद डीएनए सर्टिफाइड। देखो तिब्बतन मेस्टिफ ऑब्वियसली तिब्बत की ब्रीड है, तभी करके उसका नाम तिब्बतन ब्रीड है। बट अभी जो तिब्बत फिलहाल चाइना के अंडर है, वहाँ पर स्पेसिफिकली सबसे अमेजिंग प्योर क्वालिटी ऑफ डॉग जो है वो ब्रीड हो रहे हैं, और उसी में से एक बता रहे हैं भाई कि चाइना का जो टॉप कैनल है उसमें से ये डॉग लेकर आए हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग डील फॉर इंडिया, क्योंकि अब एक इंडिया में भी इस टाइप की ब्रीड हो सकेगी। राइट, एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत फ्रेंडली है, काफी अच्छा। ये इंडिया का फर्स्ट डॉग है जो विद डीएनए सर्टिफाइड है। पिछली 5 तो इसको मैं अभी ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, इसके बाद इसको दिखाएंगे सीधा वीडियो में स्पेशल। डन। सो गाइस अभी बारी है आपको एक बहुत अमेजिंग सा बुलडॉग दिखाने की। मेरा पर्सनल ना बहुत ज्यादा फेवरेट है वो डॉग, और उसका नाम सबसे ज्यादा फेवरेट है, जो कि है कद्दू। तो हमारे जो सर है उनका डॉग है, और मोनू पाजी जो है आज इसको हैंडल कर रहे हैं। कैसे हो पाजी? बढ़िया पाजी, बहुत टाइम बाद। वाह, तो आज कद्दू को फिर से लेके आए हैं। आज क्या जीता है कद्दू ने? BOB CC। अरे वाह, BOB तो इसकी पक्की है। मेरे को एक चीज मैंने नोटिस की है कि जहाँ भी ये जाता है कुछ ना कुछ छोड़ के आता है अपनी शॉप। वाह, तो अच्छा आपको पर्सनली, आपके पास और भी आपने डॉग हैंडल करे होंगे, जब आप शो में लेके आते हैं आपको बुलडॉग कैसा लगा? लाइक शो के लिए बुलडॉग है तो बहुत अच्छी ब्रीड है। हाँ। लेकिन ये जिससे करता है ना ज्यादा प्यार, उसी के हाथ काबू होता है। वैसे नहीं वाह। तो कद्दू भाई साहब, कद्दू एक तो ये स्मार्ट बहुत है, दूसरा इसका कलर इतना प्यारा है, तीसरा इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना गाइज वो बहुत सुपर्ब है। अगर आप इसके ऊपर स्पेसिफिकली एक वीडियो देखना चाहते हो, ऊपर आई बटन में आ रही है, आप वो देख सकते हो, उसमें आप इसके बारे में और भी जान सकते हो इस डॉग के बारे में। वाह,
और मोनू पाजी आप अभी फिलहाल कहाँ पर जो है पनीर ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, आप किस शहर में दे रहे हैं अभी? ये सर यमुनानगर अम्बाला राजपुरा। तो आप अपना नंबर भी बताओ यार प्लीज। 8708272711। तो यार अगर आपको कोई भी डॉग्स या आपको ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रहेगी आप मोनू पाजी को कर सकते हो। मैं इनको पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ और साथ साथ इनका काम मैंने बहुत नोटिस किया है। मैं हैंडलर, एक्चुअली मैं हैंडलर नहीं हूँ। हाँ आप ट्रेनिंग ट्रेनर है, डॉग ट्रेनर? यस यस आई नो पाजी। हर किसी का डॉग हैंडल नहीं करता मैं। हाँ ये तो आपकी फैमिली है, आप बिल्कुल घर का डॉग है तभी। हाँ जी, विशाल छिब्बड़ जी है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल जी, उनका किया था, अब कर रहा हूँ। और 2012 में जो मैंने सेशन जज थे वरिंदर सिंह जी जी, उनका किया था। वाह, इन बीच में 14 साल हो गए मेरे को डॉग। सिर्फ आप डॉग ट्रेनिंग के लिए? हाँ जी 14। बिल्कुल बहुत सही। ट्रेनिंग के लिए क्या कुछ देते हैं, कैसे करते हैं? ना बिना बिस्किट के सर। अच्छा बिना ट्रीट दिए आप ट्रेन करते हैं? हाँ जी, मेरे इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में जी चैनल है, उसमें देखो बिना बिस्किट के। किस नाम से चैनल? मोनू डॉग ट्रेनर के नाम से। वाह, तो पाजी का यार आपने चैनल जरूर चेक करना, देखना मेरे हाथ में कुछ नहीं होगा। हेलो जी, हमारे लैब्राडोर के हमारे फेवरेट बंटी पाजी, कैसे हो? बढ़िया जी। आप यार एक तो ना आपके साथ जब भी मैं एक वीडियो बनाता हूँ गुड लक आ जाता है, और जब भी मैंने आपके लैब्राडोर दिखाए हैं लोगों को बहुत पसंद आए हैं। आज किसको लेके आए हो? ये फीमेल है जी। वाओ, ऑलरेडी ये रिंग्स वगैरह कर चुकी है? पहली बार है? पहले नहीं, नहीं पहले ये जीत चुकी है ऑलरेडी। अच्छा, आज भी ये आरसीसी लगी है इसको। तो अभी कितनी सीसी होगी इसके पास? इसका 2 सीसी होगी। अभी 2 और है फिर चैंपियन बनने के लिए। तो ये लग रहा है इस शो सीजन में चैंपियन कर जाएगी। हाँ, आराम से जी, आराम से 2 शो में कर जाएगी। वाह गाइस, यहाँ पर अभी मैं देख रहा हूँ डॉग्स की जो देखो प्रिपरेशन चल रही है रिंग के लिए। आज कौन सा डॉग लेके आए हो पाजी? आज शिट्ज़ू लेके आए हो? अरे वाह, क्या नाम है इसका? मीनू। मीनू, और एज कितनी है इसकी? तकरीबन 8 मंथ। अच्छा ये देख रहा हूँ ये इसके बाल जो हैं स्ट्रेटनर से स्ट्रेट करने पड़ रहे हैं। तो यार ये रेगुलरली करने पड़ते हैं या सिर्फ कभी कभी? शो टाइम, सिर्फ शो टाइम पे। वैसे फिर आप क्या इनको कैसे ग्रूम करते हो अगर नॉर्मल घर में रखे होते हैं? जब नॉर्मल प्रेसिंग नहीं होती, बाकी वो सब होता है, बाकी आप सब करते हो। तो ये प्रेस करना क्यों जरूरी लगा आपको जैसे पर्सनली? पर्सनली ब्यूटी आती है। अच्छा, तो क्योंकि ये सारी ब्रीड ब्यूटी के लेवल पे जज होती है ना, करती है ना प्रेस। ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पाजी, कैसे हो जी? बहुत टाइम के बाद आज मुलाकात हो रही है। वाह भाई, उधर वहाँ पे बाल स्ट्रेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर भाई पूरी नेक रेस्ट दी हुई है लड़की को। ये नेक रेस्ट का क्या मतलब हुआ भैया? एक्चुअली इसको थोड़ा कंफर्टेबल देने के लिए। अरे वाह यार, ये देख रहे हो ऐसे रखा जाता है अपने बच्चों का ध्यान। इसका नाम क्या है? इसका नाम रोज। रोज, वाह, शी इज गेटिंग रेडी फॉर द रिंग। बहुत प्यारी है यार, देखना कितना बढ़िया ग्रूम हो रही है। अरे वाह, बहुत प्यारी है। कितनी है इसकी? 9 मंथ भैया। यार सही 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 सही। यार आप अपना नंबर दो प्लीज एक बार हमारी ऑडियंस को। 8847686828। और ये अभी रहती कहाँ पे है रोज? ये अभी मेरे पास ही रह रही है, जलंधर। जलंधर के अंदर। वाओ, तो भाई अभी हमारे को फिर से विनीत भैया क्या जीत के आया भाई अभी? ये बेस्ट ऑफ ब्रीड लगा है भाई। अरे वाह, इतने सारे डॉग्स में से बेस्ट ऑफ ब्रीड लगना इज अ वेरी ह्यूज अचीवमेंट। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई जू, बहुत बहुत बधाई। और भैया को भी अभी शुरुआत है, ये साल चैंपियन कर दो इसको। बिल्कुल नहीं, ऑलरेडी चैंपियन है ये, ऑलरेडी चैंपियन। ये तो बताया नहीं यार, लास्ट ईयर चैंपियन हो चुका है। वाह, ये चैंपियन क्लास में इसने फर्स्ट प्लेस। तो भाई ये तो फिर और बड़ी बात हो गई। बिल्कुल, बिल्कुल, है चैंपियंस को। ये जो आपकी क्रिकेट फैमिली है उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसका कमाल है। नहीं नहीं भैया, आपकी मेहनत है, इस बेचारे डॉग की भी मेहनत है, ये भी बेचारा मेहनत करता है। बहुत सही। तो गाइस डॉग शो के बीच में ना एक चीज मैंने नोटिस करी है, देखना कितना प्यारा तरीका है डॉग को केज में भी रखने का और एक तरीके से उसको खुला जगह भी देने का। ये बहुत प्यारा सा सेंट बर्नार्ड है और एक बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा हुआ है। गाइस यहाँ पर फिर से मैं इस बार दिखा रहा हूँ आपको माउंटेन बर्नीज डॉग, कैसे है पाजी? भाई, लास्ट टाइम भी इन्हें को हमने देहरादून में दिखाया था और ये एक बहुत प्यारा सा डॉग है इनका। क्या नाम है इसका? कीजी। काटता तो नहीं है? नहीं। वाह, तो यार आपके पास ये एक ही डॉग है और भी डॉग्स हैं वाले? एक ही है ये तो। वाह, ये इंडिया में बहुत लिमिटेड है ना? ये मेरे ख्याल से मैंने बहुत रेयर देखे हैं डॉग इंडिया में, और स्पेशली डॉग शोज में तो अभी आना शुरू हुए हैं। अच्छा, इसकी सबसे खास बात क्या लगी ब्रीड की आपको? बहुत फ्रेंडली है। अच्छा, दूसरा? और प्लेफुल है, गार्ड डॉग है वैसे तो। एक तरीके से प्लेफुल वाली काम भी पूरा कर देता है और गार्ड डॉग वाला काम भी पूरा कर देता है। Wow. यहाँ पर मेरे को मिला है बहुत प्यारा सा कुकर स्पैनियल, पहले भी मैंने इसको दिखाया है। यश कैसा है भाई? बढ़िया भाई। तो यश भाई का और इन भैया का ये डॉग है, तो इसका नाम है हीर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लास्ट टाइम भी मैंने इसको दिखाया था
और अभी कितनी सीसीज है इसके पास, क्या है इसका, प्लीज हमारे को थोड़ा डिटेल दो भैया। अभी तक पपी में 5 सीसी हैं इसके पास, 9 बेस्ट ऑफ ब्रीड्स हैं, एक 1 रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड है। अभी तक फिलहाल बहुत ज्यादा विन करी है। कितनी एजर्स की अभी? अभी ये हुई है 1 year 7 days की, आज 1 year 7 days की। और इसके कान पे ये क्या डाला हुआ है, जो डाला हुआ है भैया? कान ना कॉकर स्पैनियल के बहुत नीचे तक टच होते हैं, इसलिए क्या होता है गंदे हो जाते हैं, इसलिए इसको रस बोलते हैं, तो रस लगाया हुआ है इसका। वाह, तो भाई ऑल द बेस्ट, ये हो सकता है आज चैंपियन बन जाए ये। सो गाइस, यहाँ पर आज बहुत टाइम के बाद हमें भैया मिले हैं। कैसे हैं भैया? सब बढ़िया जी, आप सुनाओ कैसे हो? तो आज लेकर आए हो आप केन कोर्स, हो क्या नाम है इसका? ये है यूरोपियन इंपोर्ट रियो है। रियो, वो भी यूरोपियन इंपोर्ट, बहुत अच्छा। ब्लू कलर है इसका, राइट? हाँ जी, और बहुत अच्छी खासी हाइट है। क्या एज है इसकी भैया? ये 2.3 months का है। 2.3 months का, वाओ। तो यार अभी प्लान है भैया के साथ एक स्पेसिफिकली वीडियो करने की केन कोर्सों के ऊपर। मोस्ट वेलकम, ये मोस्ट अवेटेड विजिट होगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दे रहा, फिर इसकी वीडियो में पूरी अच्छे से डिटेल देंगे। यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा अमेरिकन बुली मिला है, इसका नाम है शेरू। कितनी एज है इसकी? 2 साल। और कहाँ, कौन सी लाइन से है ये, कहाँ से है, थोड़ा बताओ। पापी लाइन है, पापी लाइन। अच्छा हाँ जी। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा है 8933006096। ठीक है, बहुत प्यारा डॉग है, देखना गाइस इसकी ना, बहुत बढ़िया इसकी पूरी बॉडी पॉस्चर और सब बहुत बढ़िया है। अरे वाह, अरे कितना खुश हो रहा है, वाह बहुत खुश हो रहा है। सो ओके गाइज, विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग एंड। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा मेक श्योर हिट द लाइक बटन, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है इस पूरी वीडियो में, कौन सा डॉग सबसे बढ़िया लगा, वो उसका कमेंट करना। हो सकता है आप गिवअवे जीत सको और आपको एक बहुत प्यारा सा पपी अडॉप्ट करने का मौका मिले। मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।